हीट एक ऐसा चैप्टर है जिसको मेजॉरिटी बच्चे ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता, और जिन लोगों को समझ में भी आ जाता उनके मन में अक्सर एक प्रश्न होता है कि क्या मैं इसके न्यूमेरिकल्स करूं या नहीं करूं। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर हीट। इसके पहले मैंने पिछले चार चैप्टर, इनफैक्ट 20 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा, डिटेल्ड एनालिसिस के पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं बोर्ड के, ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से, जिस पैटर्न के हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एंड वो सारे क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उनको हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। लर्नर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग वीडियोस को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, एंड इस वीडियो को बाकी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि उनको भी हीट से डर लगना बंद हो जाए। वीडियो को लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे मैंने 20 चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो उसको जाकर के जरूर चेक करना। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना होगा फटाफट पढ़ लोगे एंड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलिए अभी आपको मैं जरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मैंने दो तरह रखा है जिससे मैं यूजुअली जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 20 चैप्टर सेपरेट करके हम डिस्कशन करते हैं। बाय द वे, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे पेपर के थ्रू, कि आप अगर मेरे से एक आध क्वेश्चन छूट भी जाए तो आप उसको पकड़ लो और आप कमेंट में मेंशन कर सको जिससे बाकियों की हेल्प हो जाए। चलिए लर्नर्स, तो यहाँ पे हम लोग मार्च 2022 का पेपर पहले देख रहे हैं, एंड इस पेपर को देखते हुए मैं ये नोटिस कर सकता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपसे बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज होगा आपका, ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ भी बाद में पढ़िएगा, आपका एक बार चैप्टर समझ के हो जाता है, हमारा वन शॉट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है, एक बार आपका वो हो जाता है उसके बाद आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि आप इसके एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट कर लो, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा सलाह है मेरे अनुभव के बेसिस पे। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन को इस चैप्टर से बहुत ज्यादा वेटेज से नहीं पूछा गया है। लाइक अगर हम पिछले साल का ही देखें, जिन्होंने आपसे पहले जो आपके सीनियर्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया 2022 में, तो उनसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप बाद में एनालाइज करोगे तो आप ध्यान से जाके देख सकते हो, एक क्वेश्चन उनसे क्वेश्चन नंबर 2B में पूछा 2 मार्क्स का, और वो क्वेश्चन था ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ होप एपरेटस। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि जो होप एपरेटस है उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि होप एपरेटस या फिर उसका डायग्राम या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि पिछले बार भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स हो गए। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पैराग्राफ बेस्ट क्वेश्चन दिया है, और ये पैराग्राफ जो बेस्ट क्वेश्चन है ना, ये किसी और टॉपिक पे नहीं है, हीट एक्सचेंज के ऊपर है। तो हीट एक्सचेंज करके एक छोटा सा टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, तो एकदम एंड में आता है हीट एक्सचेंज, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसका ही एक पैराग्राफ उठा के दे दिया टेक्स्ट बुक का, और उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे ना, जितने भी लोग इन वीडियोस को इसलिए देख रहे हैं कि आपको अपने साइंस के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, मेरी बात केवल और केवल उन लोगों से हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बस टाइम पास में वीडियो शुरू करते हैं और कभी देखते नहीं है, ठीक है, उनका एंड तक ऐसा ही चलेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, मान लो कुछ बच्चे तो ऐसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, मैं 2-2 आवर्स का सेशन लेकर के पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लोगों को वो नहीं चाहिए, उसको देखने वाले 15 लोग होते हैं, और 100-150 लोग मुझे कमेंट करते हैं भैया 20 मिनट का चैप्टर बनाओ, 20 मिनट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करो। यू स्टूपिड, 20 मिनट में क्या एक्सप्लेन करेगा तुझे, 20 मिनट तो अब एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने में जाता है। और जो लोग तुमको कर रहे हैं ना ऐसा करके, जो तुमको देते हैं, जो तुम्हारे बहुत हितैषी बन रहे हैं, वो सब तुम्हारा फायदा नहीं चाहते हैं, वो बस अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखना। और 20 मिनट में ना रिविजन हो सकता है, 20 मिनट में ना चैप्टर समझ नहीं आ सकता, ये बात याद रखना। बाकी तुम्हारी जिंदगी है, तुम उसको क्या कहते हो, उसको कर लो जो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे एनालाइज कर रहे हैं हम लोग बहुत ध्यान से, कि यहाँ पे 3 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा है हीट ट्रांसफर फ्रॉम वेयर टू वेयर, हमें पता हाई टू लो होगा, अगर हम ये पढ़ेंगे भी ना तो भी हमें ये बात समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस, हीट एक्सचेंज के बारे में लर्न करेंगे, आप पढ़िए यहाँ पे बहुत ध्यान से, आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली, आपको ये प्रिंसिपल के बारे में बताना है, यहाँ से पढ़ करके आपको जो समझ आया वो बताना है,
इतना सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बेफालतू का डरते हैं। तो 3 और 2 5 मार्क्स हो गए, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इस चैप्टर से लर्नर्स। तो मैं यहाँ पे एनालाइज करके ये कह सकता हूँ, और ये एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हीट यहाँ पे ना मेरे यहाँ बहुत ठंड है लर्नर्स, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब आती है, हाथ भी कांपता है लिखते हुए। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि 2022 ठीक है मार्च में ये जो चैप्टर पूछा गया था वो 5 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, एक काम करते हैं, 2020 के पेपर को एनालाइज करेंगे, 2021 में कोविड के कारण एग्जाम नहीं हुआ था, तो 2020 के मार्च और जुलाई हमें ये दो पेपर को एनालाइज करना है। ठीक है, इन दो पेपर को हमें एनालाइज करना है। चलिए देखते हैं अभी कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो अब मैं आ जाता हूँ 2020 मार्च के पेपर में, ठीक है, कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं कि पहला एक एमसीक्यू पूछा गया था 1 मार्क का, एंड दैट वाज द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी, क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट या फिर ह्यूमिडिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका बहुत आसानी से जवाब दे सकते हो, थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें कंपलसरी नहीं, आप चाहो तो इस चैप्टर को छोड़ सकते हो। पिछला जो 2022 में अगर कोई बच्चा अगर बिल्कुल भी हीट पढ़ के नहीं गया होगा ना, तो भी उसको पूरे मार्क्स मिल सकते थे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं था, ऑप्शन वाले में ही थे सारे। ठीक है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 100 degrees Celsius। समझ लो, ये क्वेश्चन एमसी अपना आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, और अगर मैं आपको सही से बताऊं ना, तो ये न्यूमेरिकल कहीं और से नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से ही है, बाहर का न्यूमेरिकल पूछते ही नहीं है। बट आई हैव फेल्ट, मैंने जो महसूस किया, बाहर का न्यूमेरिकल नहीं पूछते, ज्यादा से ज्यादा ये 20 का क्या करेंगे पता है क्या, ज्यादा 20 का 60 कर देंगे, ठीक है, और इसका 100 ही रहने देंगे, या फिर थोड़ा सा वैल्यूज बदलेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे तो मेथड सेम होगा। चलो, तो ये हो गया 2 और 1 3 मार्क्स का पूछ लिया, और यहाँ पे फिर से 1 2 मार्क्स का पूछा है, तो 3 और 2 5 मार्क्स हो गए यहाँ पे। और ये क्वेश्चन क्या है देखो जरा, यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन ये है या फिर दूसरा कोई रिपीट हुआ है सेम टू सेम, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिखाया गया और यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया गया, कह रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ना, तो एक सर्टन टाइम तक जो ये टेम्परेचर को जब हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो एक सर्टन टाइम तक जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाता है और फिर इंक्रीज होने लगता है। तो क्या है ये, सोच के देखो, क्या रिप्रेजेंट किया, एनिमल बिहेवियर ऑफ वाटर रिप्रेजेंट किया है क्या, बिल्कुल हाँ। व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, 0 to 4 degrees Celsius, खत्म, 2 मार्क्स मिल गए। अरे पढ़ा भी होगा ना तो भी दे दोगे जवाब थोड़ा सा, तो ये कितना हो गया 5 मार्क्स हो गया, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मार्च में भी यहाँ पे भी 5 मार्क का ही पूछा है इस चैप्टर, 5 मार्क्स का पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं जुलाई 2020 के पेपर के बारे में। ठीक है, तो जुलाई 2020 के पेपर में अगर मैं दिखाने जाऊँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका ऐसा यूनिट देना है। तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है इसको डिफाइन करना है यहाँ पे, और आपको उसका एसआई यूनिट लिखना है। फॉर एग्जांपल लेट से उसका जो एसआई यूनिट है वो कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एग्जांपल के लिए, तो ये आपको लिखना है, समझ रहे हो, तो उसका एसआई यूनिट लिखना है और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मूविंग फर्दर लर्नर्स, अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया, फिर यहाँ पे देखो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा है, एक न्यूमेरिकल पूछा है, नाउ दिस न्यूमेरिकल अगेन इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ये कहीं बाहर का न्यूमेरिकल नहीं है, 3 मार्क का पूछा गया ये, ठीक है। हाँ, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, बट कैलोरी मीटर वाले पे बेस्ट ये जो न्यूमेरिकल है आपका, आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन कैलोरी मीटर, यस ऑफ कोर्स, ये हीट एक्सचेंज के प्रिंसिपल का है, ठीक है, कैलोरी मीटर वाली चीजों को लगा के सॉल्व होता है, इट लाइक क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ऐसे करके सॉल्व होता है, एंड इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। चलिए, यहां तक अगर क्लियर हो गया, तो ये 3 2 5 मार्क्स हो गए, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके, तो मैं कह सकता हूं कि अगेन इट इज फॉर 5, दिस चैप्टर इज अगेन फॉर 5 मार्क्स। क्या मैं एक चीज एनालाइज कर पा रहा हूं कि ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। चलो 2019 का पेपर भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, और 2019 एक और पेपर एनालाइज कर लेंगे, मार्च और जुलाई का, ठीक है, क्योंकि 2018 का पेपर अगर आप देखोगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आउट ऑफ टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हमारा पैटर्न थोड़ा अलग सा है। मूविंग फर्दर लर्नर्स, एक छोटी सी बात मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि आपने अभी तो देख लिया कि कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने 5 चैप्टर एनालाइज कर दिया, तो आप हमारे साइंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप इस वाले वेबसाइट वाले लिंक से भी डायरेक्ट खरीद सकते हो, या फिर ऐप पे जाकर के भी परचेस कर सकते हो, इट्स ऑफ 299, 70% ऑफ चल रहा है, ठीक है लर्नर्स।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बट सबसे पहले आपको करना क्या है, गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना। अगर आप वेबसाइट वाले लिंक पे जाओगे तो आपका जो भी नाम है, लेट्स से मेरा नाम जो है वो शुभम है, तो मैंने डाल दिया शुभम, ठीक है। फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है वो लेट्स से वो है 9876543210, ठीक है। और राइट नाउ कहाँ से मैं परचेस कर रहा हूँ वो मैं चेंज कर दूंगा महाराष्ट्र, और लेट्स से मैं लक्षदीप या फिर जो भी है मेरा वो कर दूंगा, वेरीफाई विथ ओटीपी कर दूंगा मैं। जैसे मैं वेरीफाई विथ ओटीपी करूंगा, एक ओटीपी आएगा, मैं डालूंगा और फिर मैं परचेस कर पाऊंगा। इट्स वेरी सिंपल, ये समझ आ गया। ये हो गया हमारा डायरेक्टली परचेस करने का तरीका। मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट परचेस करो, फिर ऐप डाउनलोड कर लेना, और ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस वाले सेक्शन में जाना, आपको दिख जाएगा, और वहां पे जाकर के आप टेस्ट दे पाओ। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे लाइव क्लासेस क्यों दिखा रहा है, और ये पीसी पे भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्टिव टेस्ट संडे संडे को होता है, उसके पेपर चेक करके दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उन ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, उन ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर 1000+ क्वेश्चन है साइंस के हर चैप्टर के हर टॉपिक से रिलेटेड। तो आप उन टेस्ट को जाकर के दोगे। जैसे आपने मान लो कि अभी हीट चैप्टर की बात करें, तो हीट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा, आपने देखा कि एक्सरसाइज से मेजोरिटी क्वेश्चन आता है, तो आपने एक्सरसाइज को परफेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका काम है कि इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को जाके आप प्रैक्टिस करो। हर एक क्वेश्चन में अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया गया है। तो मान लो कि हीट से रिलेटेड हमने 70 क्वेश्चन अपलोड कर रखे आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो 70 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपने प्रैक्टिस कर लिए टोटल। उसके बाद आपको लगा कि अभी तो मेरा यार 70 में से ना 40 क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी सही था, तो आपने क्या किया, उसके बाद फिर से आपने इंप्रूव करने के लिए फिर से एक बार रिवीजन किया अपना, फिर आकर के आप टेस्ट दे सकते हो। ऐसे अनलिमिटेड दे सकते हो 20 के 20 चैप्टर पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन में। अब मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, आपने टेक्स्ट बुक खरीदा होगा, आपने डाइजेस्ट खरीदा होगा, आपने ट्यूशन लगाया होगा, आपने बहुत सारी चीजें की होगी, कौन सा कितना काम आया मुझे नहीं पता, बट एग्जाम में जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये आपके काम आएगा। एक और 300 रुपए अगर लगा दोगे ना, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके साइंस में लेट्स से आप 90 स्कोर कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए, और अगर आप 99 स्कोर कर लेते हो या 100 स्कोर कर लेते हो, तो कुछ बिगड़ जाएगा। मेरे ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ करके 100 out of 100 स्कोर किया है, पूरे साल मुझसे केवल केवल मुझसे पढ़ करके 100 out of 100 स्कोर किया है। मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ जब यूट्यूब चालू है, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब YouTube था ही नहीं, और मैंने खुद का बोर्ड एग्जाम तब दिया था, और मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब YouTube वॉज नॉट देयर, YouTube पे कोई टीचर नहीं था, YouTube नहीं है मतलब YouTube पे इतने सारे टीचर एक्टिव नहीं थे, समझ रहे हो ना, पढ़ना बहुत मुश्किल होता था, किताबों से ही पढ़ना होता था। तब भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मेरे लर्नर्स ने 100 out of 100 स्कोर किया है, ठीक है। सो लर्नर्स, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ये आपके लिए सच में हेल्पफुल रहेगा, बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा फैसला, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, जो लोग खाली फ्री 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 सब करते हैं ना, वो तुम्हें बस पीडीएफ दे देते हैं कहीं से जुगाड़ करके, और उस पीडीएफ में तुम टिक करोगे। यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज है, आप जाओगे तो आपके सामने पोर्टल खुलेगा, टाइमर चालू रहेगा, उसमें ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, आप जो गलत करोगे उस पर फीडबैक मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज द रीजन की इट हैज अ प्राइस। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांटेड टू से। जिन लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है, ठीक है, जिन लोगों ने मुझसे कोई एक भी चैप्टर पढ़ा होगा और उनको कुछ समझ आया, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई होगी, और अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, इट्स वेरी बहुत अफोर्डेबल है ये, ठीक है, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो ट्राई जरूर करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ, एक और चीज, आपने लिया, आपने किसी एक चैप्टर को पढ़ा, उसका टेस्ट दिया, और अगर आपको किसी पॉइंट पर लगता है कि ये तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, यू कैन आस्क फॉर रिफंड। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे थे, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने अब 2019 के बाद 2020 के बाद अब 2019 का पेपर एनालाइज करना है, और यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, पहले पेज पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक क्वेश्चन है, वाटर एक्सपैंड्स इट टेम्परेचर बिलो डैश, मैं मार्क करना भूल गया था, तो यहाँ पे ये भी एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर पे क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर ये बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए, तो यहाँ पे हमें मार्क नहीं किया इसका, मेरे को लगता है ओके, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, ये कितने मार्क का हो गया, 1 मार्क हो गया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मतलब बाद में कमेंट्स में, यहाँ पे ये हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 3 और 1 4 मार्क्स हो गए, एंड आई थिंक 4 ही मार्क्स का पूछा है यहाँ पे, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे भी तो किया है 2019 मार्च, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, दैट्स इट। हाँ, 1 मार्क का ये है और ये हमारा 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स ये और ये हमारा 3 मार्क का है, राइट। हाँ, तो इतने ही है, 4 मार्क्स का पूछा है खाली,
ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ हमें एक्सप्लेन करना, और ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा देखना। ठीक है, तो ये किस, ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ते हो वही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ओके, मुझे तो नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये वाले इसमें ये 4 मार्क्स का पूछा गया, तो 4 से 5 मार्क्स हम बोल सकते हैं। फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं हम जुलाई 2019 के पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, एक टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड एक्सपैंड, ये भी फिर से वही है, होप सेपरेटस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और आई थिंक पहले वाला भी होप सेपरेटस पे ही था क्या? मैंने एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर बोल दिया, वाटर होप सेपरेटस हम क्या करते हैं, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर ही तो चेक करते हैं। क्या हो गया मुझे आज, ठीक है चलो, ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो 1 मार्क्स ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पेपर अलग है, आप देख सकते हो यार। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, जुलाई 2019 का पेपर है और मार्च 2019 था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो गया था, 2022 के पेपर को अच्छे से करके जाना, कुछ भरोसा नहीं। और एंड सेम क्वेश्चन नंबर 3 में रिपीट हुआ है 3 मार्क्स के लिए, तो ये कितने मार्क का हो गया? फिर से हम कह सकते हैं कि 4 मार्क्स के लिए फिर से पूछ लिया, वी कैन से कि ये 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया। लर्नर्स, तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इस चैनल पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि सारे साइंस 1 के 10 चैप्टर, साइंस 2 के चैप्टर्स का प्लेलिस्ट सामने ही है चैनल पे। आप जाओगे ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने हिस्ट्री कवर कर रखा है, ज्योग्राफी कवर कर रखा है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के पूरे चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं, 7th का कर रखा है, 8th स्टैंडर्ड का कर रखा है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा पढ़ाने वाला काम किया लर्नर्स। कहीं ना कहीं मैं तुम्हें एक अपने अंदर की बात बताऊँ, इस वीडियो को अभी एंडिंग करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि हमारा चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर भी इसलिए कवर नहीं कर पाया क्योंकि हम पढ़ाते हैं। क्योंकि आप किसी भी चैनल को देखो, ज्यादातर जो स्ट्रैटेजी वगैरह बहुत ज्यादा शेयर करते हैं वो चैनल फटाफट ग्रो करते हैं। और पता नहीं, आई बिलीव कि पढ़ाना इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लास्ट के भी मेरे वीडियोज देखोगे, ठीक है, तो इसमें भी पढ़ाया, इसमें भी पढ़ाया, इसमें भी पढ़ाया, इसमें भी पढ़ाया, इसमें भी पढ़ाया है। ठीक है, ज्यादातर आपको पढ़ाने वाले वीडियोज मिलेंगे। इनफैक्ट अगर लाइव में जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो पढ़ा रहे हैं। एंड पीपल आर सेइंग कि नहीं हमें क्या चाहिए, हमें 10 मिनट का वीडियो चाहिए, 15 मिनट का वीडियो चाहिए। नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल भी है तो खाली टॉपिक का नाम लेना है। ठीक है, सो लर्नर्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि इस पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट डाला हुआ है स्टडी से रिलेटेड, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड हाँ, एक और बात, हम लाइव बैचेस भी लेते हैं हमारे ऐप पे, इजी लर्निंग पे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो कि अगर जो जूनियर्स है 9th में वो 10th में हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल होता है वो। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर टेस्ट सीरीज एज वेल एज